नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी जिला अंतर्गत डुमरा थाना के मिर्जैया गांव के वार्ड नंबर 2 में, और यहां पर ए दोनों पति पत्नी है और ए इनकी सास है। इनकी बेटी को कुछ दिन पूर्व कोचिंग के ही शिक्षक द्वारा मार दिया गया और उनको पेड़ पर लटका दिया गया। जैसे यहाँ के लोगों से मुझे पता चला है, ओरिजिनल घटना क्या है हम इन लोगों से ही जानते हैं। ये उनकी जो मरने वाली की माँ है। क्या नाम था आपकी बेटी का? अभिलाषा। अच्छा, अभिलाषा का मौत कैसे हुआ था? दीदी 7 तारीख के 9 बजे रात में बोला बेल हम न जाए दिली, झाड़ के बेगला दिली घर से। कौन बुलाने आया था? चंचल कुमारी। अच्छा, तो सुबह हमार लड़की उठल, चाय पानी पील, कोचिंग गेल पदारथ के कोचिंग पर। वही जैसे आयल 9 बजे पढ़ के सब घर के धंधा उन्धा कैलक, हम चल गए बगल में खेत में मूंग तोड़े। फिर वो लड़की आयल बुलाए तो हम बड़ा वाली दया दिन बोल रही ओकरा पर, बड़की माई ओकर बोल रही जे है से ओकर मम्मी ना है तो कलावे छू बुलावे तो ना, तो चल गए लड़की। फिर जैसी मूंग तोड़ के निकले छी ना, जैसी साथ लागे लड़की, हम बोलिए कि हे तू हमारा बच्चा के कैला है तो पाछा पड़े छा कहाँ ले जा। तो चाची मूंग वही घास गरले छी, घास उठाबे ला एकरा ले जाय छी बुला के। चल गया दादी भी मना कल के रास्ता में, तो कर घास उठा के अबी। 2-3 घंटा हो गए, चल ये 2-3 घंटा हो गए बच्चा के अपना तलाश में गेली, तो मुँह सूखल और लड़की आरी पर अबित रहे। ओकरा पूछली है तू अला हमार लड़की के कहाँ छोड़ देला, तो पदार्थ ले गलो लीची में गेली। वही देखे तो हमार बच्चा टांगल, हम काने लगली पेड़ में टांगल। हाँ, लीची के पेड़ में टांगल गेली, हम काने उन्हें लगली हुई जो अपना कली बच्चा कर मार के टांग दिलक, तो इतने में कूद के वही छुपल है उतने दूर में, कूद के और बच्चा के उतार ले लग। अब बच्चा के उतार ले लग, जो बोले हम अपना मायली सास ससुर गांव समाज के हल्ला कैली। बोले बबलू राय नरेश राय और पदारथ सब मोटरसाइकिल पर लेके हॉस्पिटल में जोले सब लोग जमा भेल। ओकर पूरा पदारथ के पूरा परिवार, चंचल के पूरा परिवार जाके आधा लाश जरा दिले उन्हें, जोले देखे जाए सब पर आधा लाश जरा दिले रह दीदी बच्चा के मार के। आप आवेदन लेकर गए थे कि आपकी बेटी का राम पदारथ द्वारा हत्या कर दिया गया, तो हमें सुनने में आया है कि थाना पर से आपको मार के भगा दिया गया, क्या सही है? थाना पर से हमको गाली गलौज दिया, बोला कि भरुआ है, बेटी का कमाई करने वाला दल्ला है, ये सब बहुत बात बोले बड़ा बाबू, तो वहाँ से हम अपन चले आए। ऐसा क्यों बोले? वो बोले कि वो लेट हो गया था ना, 4-5 दिन बाद गए थे हम लोग। यहाँ ग्रामीण बोला कि हम पंचायत से फरियाद देंगे, ग्रामीण कोई पंचायत से नहीं फरिया। 2 दिन पंचायत हुआ, मुखिया सरपंच बोला कि हम फरियाद देंगे, 2 दिन पंचायत बैठाए, उसमें लड़का लड़की को कोई लाने वाला समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि समाज में लेके आए। इस क्रम में लेट हो गया, इस क्रम में बड़ा बाबू हमको गाली उली दिए कि भरुआ है, तू बेटी का कमाई खाने के लिए तू पंचायत में गया था, इसीलिए उस क्रम में बड़ा बाबू गड़िया। अगर मान लीजिए कि गांव में पंचायत होकर 2-4 लाख रुपया दे देता तो आप केस नहीं करते? जी नहीं, सही था ना? जी ये बात तो सही था, पंचायत के ऊपर निर्भर था कि पंचायत क्या हमको राय विचार देते हैं। 4 दिन तक आप लगातार कहे रुक गए, सो बताइए। हमको ग्रामीण ने रोक रखा कि पंचायत में, पंचायत से फरियाद देंगे, इसके बाद अगर नहीं फैसला होगा तो आगे जाइएगा। 5 दिन बाद गए, आप फिर कह रहे हैं कि थाना प्रभारी केस नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ दोषी थाना प्रभारी हुआ कि था आप लोग? हमको ग्रामीण बोला ना, ग्रामीण रोक रखा, फिर हम ग्रामीण से छुप छुप के गए उनको थाना प्रभारी। कौन ग्रामीण इसमें आपको पुलिस के पास जाने से मना कर? मुखिया सरपंच को बोला था कि तुमको गाँव में प्रभारी को कहा कि सर हम पंचायत से हम नहीं मानते हैं कि हमको केस करने आए हैं, तो उनको आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद वो आवेदन नहीं लिए, आवेदन ले लिए और गाली उली देके हमको भगा दिए। हम बोले कि हम भागने वाले में से नहीं है। अब दोबारा गए हैं कि कहीं केस कर दिए हो या नहीं किए हो? गए कुछ जी, गए थे, वो केस FIR नहीं किए हुए हैं। कब गए थे? हम पिछले इस महीने में 8 तारीख को गए थे। 8 तारीख के बाद नहीं गए हैं? जी नहीं गए हम, फिर हम आए तो फिर सब 15 तारीख को फिर गए हैं इस महीने में, तो फिर FIR नहीं हुआ था, तो फिर हम SP साहब यहाँ गए, DSP साहब गए, DIG यहाँ गए, सब तरफ पहुँच गए, मुख्यमंत्री आवास गए, हमको कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। DSP साहब बोले हैं कि आपको इंक्वायरी हम कर देंगे, तो कल DSP साहब बोले, DSP साहब ऑफिस में बुलाए थे, तो कल गए थे हम DSP साहब के ऑफिस में, तो आज का टाइम दिए हुए हैं कि आज आके हम तुमको इंक्वायरी करते हैं। आप बताइए कि गलती तो हम इनकी कहेंगे क्योंकि इनकी बेटी का हत्या हो जाता है और एक सप्ताह बाद थाने पर जाते हैं कंप्लेन लेकर, ये सही होते तो उसी दिन इनको थाना पर जाना चाहिए जिस दिन पेड़ पर लटका हुआ इनकी बेटी का शव मिला था, लेकिन ये बहुत लेट कर गए, तो वाकई में कोई भी आदमी नाराज होंगे क्योंकि अगर इनके मन में ये रहा होगा कि हमें पैसा दे देगा तो हम मैनेज कर लेंगे, तो वाकई में जो वो बोले उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आप लोग का क्या कहना है? कोई सर जी के चंचल के 2 साल से रहे संपर्क। अच्छा, वही में ये बच्चा पढ़े जाए
ना तो देख लेबे जे अति कोई बात बतियाए चाहे कुछ देख लेबे ना। चंचल कौन है जो इनकी लड़की को बुला के ले गई? जी बुला के ले गए। अच्छा। तो उ दुनू के कोनो बात विचार करे देख लेबे तब वही के चलते लड़की दूसर तेसर के कह देबे वही के चलते लड़की के लुची अति घास के बहना कह के लुची में लटका। यानी कि चंचल का उस मास्टर से चक्कर चल रहा था और ये लड़की जो है अभिलाषा कुमारी उसको देख ली और चंचल की सहेली अभिलाषा थी। हाँ, जी। और अभिलाषा देख ली इसलिए अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड के माध्यम से मरवा दी। जी जी वही काम कर ला। ठीक है। अभिलाषा के पिता को लोग लालच दे दिया कि तुम पंचायत में फैसला कर लो। जी बाहर रहता था घर में रहता था चार दिन पर चार दिन के बाद बाहर से आल अभिलाषा के पप्पा पप्पा। हाँ तो वो अल ना तो बाहर रहे ना तो मर गए तो एक छोटकी बेटी हवे से कहल कि जे दीदी के सब भर्ती भेल हॉस्पिटल में जे हो पप्पा जे आबा गाड़ी पकड़ के तो ओकर पप्पा झूठ बोल के बुलाए। हाँ ओकर छोटकी बेटी जे हवे से तो कल के हो पप्पा जे दीदी के तबियत खराब है जे हॉस्पिटल में भर्ती है तो ओकर गाड़ी पकड़ के अल अल यहाँ तब एक की कर से सब अपना अति के पति के धो के ओकर घर वाले रो रोए लगल कि जे लुच्ची में धक के मार दिलक लेके वो लड़का भी आई हॉस्पिटल में आया मोटरसाइकिल पेड़ पर से उतार के तब यहाँ लड़का मोटरसाइकिल पर चढ़ा के लाया मोटरसाइकिल लाश लेके। हाँ लाश लेके आई मैं ना करके हॉस्पिटल में आई जैसे आई पांचों करना आई मैं लेके चल गया। हाँ। मतलब हॉस्पिटल में लाया हॉस्पिटल से फिर मैं उठा के लेके जाके जला दिया कहा जे नहीं जिंदा है तो इस ये आई मैं लेके चला गया जला दिया। हाँ कहे सांप काट लिया है तो रौदा पर ना हो गया है ऐसे मैंने सबके पति पढ़ा देना घर में पति उती नहीं है यहाँ पर आप लोग घर में एको को मर्द नहीं मर्द नहीं है सब बाहर है जांच करा लो। है मिर्चैया गांव और इस गांव में एक भी मर्द नहीं रहते हैं क्योंकि सारे मर्द बाहर कमाते हैं और महिला अपना घर चलाती है इस कारण से कोई मर्द नहीं थे और वो लड़का अकेले था और इनका कहना है कि वो पेड़ पर से अभिलाषा को उतार कर हॉस्पिटल लाया जब डॉक्टर उसको मृत घोषित कर दिया तो अभिलाषा को ले जा करके और दूरी जाकर जला दिया। चलते हैं वो लीची के पेड़ के पास दीदी कहाँ पर फांसी लगा था दीदी यही लीची डाल ही में इतना पतला डाल में लगा दिया था। आप देखिए कि ये डाल है अगर इसमें फांसी लगाएगा तो आदमी कैसे उसके पैर के नीचे छीटी लगा दिए थे औरने के लिए मतलब रोकने के लिए लड़का कूद के आल दी हम कल बाबू कहाँ से कूद के आया दीदी हमारा बुझाइए नहीं निकाल ले आई तो हम लोग कोई रहे दीदी सब हम कोई रहे लोग पूरा पास में ना मरद रहे गांव समाज में खाली लेडीज दिन में रही इधर के टाइम में तो लोग काफी के सुतल लोग के कोरोना देख के हम ही है देखे जैसे कल माई है हमारे माई रहे हमारे माई है वो के लटका दे लट मार के तैसी देखे जी मोटरसाइकिल से तीनों बाप देखो ना चोरा के ले गए तीन दिन पहले तो वो नाम लिखा गया काल ओकर नाम ओकर सहेली कटवा लगी कि ओकर धैर्य न रहे जब केना कही अभिलाषा मर गेल नुआ बोले ना नाम बोले ना तो काल हुआ के हम कहली बुआ को दियो जे मर उठा हमारी बहन थी अभिलाषा। क्या नाम है अभिलाषा? हमारा निशा कुमार। निशा अति बहन के साथ आप कोचिंग जाती थी? हाँ। अच्छा वहाँ पर क्या होता था? वो पढ़ाई अच्छा होता था तो चंचल अगारी पढ़ते थे तो हल्ला हुआ ना तो छोड़ दिए। अच्छा चंचल वहाँ पर पढ़ती थी हल्ला हुआ तो वो छोड़ दिए हल्ला गुलाब जल का छोड़ दे। दूसरा साथी तो देख लिया हमारे बहन तो अति हम सब अति करते थे ना तो हम सब देख लेते थे हमारे बहन सबको बोल देते हम सब मारते थे मास्टर डांटते थे इसीलिए हमारे बहन को मार दिया है। जब घटना हुआ था तो आप लोग कहाँ थे? हम सब तो घरे रही है अगर तो सोहल्ला भेले तब तोले हल्ला भेले तोले लोग कोई ने साबे आबे तोले ले ले लेके भाग गेले ना दुन्नो रहते नहीं हम धंधा होते दुन्नो के मौत हो जाए के अगाड़ी चल के फेन खे को के मारता ना मारता के देखल के की जम कई बहन के डाकू के कोनो विश्वास है कोई विश्वास नहीं आई वही लड़की के मार दल कहिया अभियान दूसरो के मार दे दूसरो के मार दे तो कथी ना भेले आज आत्मा तो कथी बदला लेने के लिए किसी के पास जा सकता है गांव बर्बाद हो रहा है ऐसे में सबका मंजूर वही होगा ना सब दिन ऐसा ही होता रहेगा ऐसे चलेगा तो उसको क्या होना चाहिए? क्या सजा होना चाहिए? इससे मौत होना चाहिए मौत के बदले मौत किनको दोनों को किसी को भी जो किया है उसको जो नहीं किया जो जिस कर्म पे है ना उसको उसी कर्म से जाना चाहिए जो जैसा किया है उसे सजा मिलना चाहिए। फोन से धमकी मिला हुआ है
रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्ड कैसे होगा, मेरा तो डिस्प्ले फूट गया उसके बाद, तो मेरा मोबाइल सुई पड़ा हुआ है, डिस्प्ले फूटा हुआ है अभी भी। दे रहा कि जो देगा उसको नहीं, हमको हम उनको दो बार समझाए थे कि राम पदार्थ जी गलत हो रहा है संभालिए, तो वो नहीं समझे, बोले हम संभले हुए हैं, ठीक है आप संभले हुए, आज न कल आपको वैसे पड़ेगा उस चक्कर में, तो आपको भोगना पड़ेगा।